बस क्यों है तो हमें ख्याल से आदत हो गई हमें, तो कोशिश करेंगे कि जिस तरह वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया था इधर अपने प्लेयर जो डोमेस्टिक प्लेयर के साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और टूर्नामेंट जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है काफ़ी देर हो गई है, डोमेस्टिक खेली भी नहीं है और इंटरनेशनल में बिजी थे और डोमेस्टिक प्लेयरों के साथ अपने कलीग के साथ मिला भी नहीं हूँ, तो अभी इंशाल्लाह पिंडी में उनको ज्वाइन करूँगा। मेरे ख्याल से हम जो पिछले साल बॉलिंग में थोड़ा सा लैग किया था इस बार ही हमने बॉलिंग अच्छी की है। बैटिंग तो माशाल्लाह हमारी वैसे ही ऑलमोस्ट पाकिस्तानी टीम ही खेलती है, सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं। और हम थोड़ा देखें, जब भी बड़ी टीम होती है उसमें आप ये नहीं है कि आप पूरी 110% आप टीम लेके जाते हैं, कभी कभार आप किसी में आप लैग करते हैं, कभी बॉलिंग में करते हैं, कभी बैटिंग में करते हैं, तो यही चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं कि यार आपने आप पिछले साल क्या किया था गलती, इस साल आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि हर साल बेहतर टीम, बेहतर रिजल्ट और बेहतर लड़के को चांस दिया जाए कि जो आगे पाकिस्तान को सर्व करें। जब मेरी बैटिंग अगर नेक्स्ट हो रही हो या कुछ भी मुझे पता है कि मेरी बैटिंग आने वाली है, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं खामोशी से नहीं बैठ सकता, मैं बात करता रहता हूँ। वो भी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने आप को काम रखने के लिए मैं ज़रा दूसरों को साथ बात करता रहता हूँ, कभी छेड़ दिया, कोई मजाक कर दिया कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखूँ। मुख्तलिफ प्रेशर होते हैं, टेस्ट का डिफरेंट, वनडे का डिफरेंट और T20 का डिफरेंट होता है, लेकिन वो उसमें अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को काम, यही कि अपने पे बिलीव रखो, अपनी जो आपने प्रैक्टिसेस की हैं, जो अपने आपने इतना हार्डवर्क किया उस पर बिलीव रखो। जब वो आपको अपने पे बिलीव आएगा ना, तो वो थोड़ी सी मेंटल वो जो आपको प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। जब आप विकेट पे जाएंगे तो आप जब एक दो बॉल खेलते हैं तो आप नॉर्मल हो जाते हैं, आपको पता है क्या बिहेव हो रहा है, कैसे बॉलिंग हो रही है, क्या कैसे आपने यहाँ पर खेलना है। तो वो फिर जब आप एक ओवर के बाद आपका नर्व्स थोड़ा सा स्लो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, तो मेरे ख्याल से बिलीव, मेरे ख्याल में मैं करता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं, जो मैंने हार्डवर्क किया होता है उस पर मैं बिलीव रखता हूँ और बाकी मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ कि अल्लाह करवाएगा। आपको अपनी गेम का नॉलेज होना चाहिए कि यार मैं कितना गेम को खींच सकता हूँ। पहली तो गेम चेंज नहीं करता, हाँ गेयर्स चेंज करता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम गेयर चेंज करने हैं आपको, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर मेरी बैटिंग पता है कि मैंने कैसे करनी है, तो कोशिश करता हूं कि जब मैं सेट हो जाऊं तो फिर मैं अपना गेयर चेंज करता हूं। आपको हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले ही, इवन वो मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस में करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में भी मोस्टली ऐसे ही होता है, कभी आपको अच्छी विकेट मिलती है, कभी आपको बुरी मिलती है, कभी बहुत ही बुरी मिलती है, तो आपको हर विकेट पे हर कंडीशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको अंदर भी वैसे मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से आप जितना अपने आप को मैच से पहले प्रिपेयर करेंगे, जितना आप अपने आप को 110% माइंडसेट से प्रैक्टिस करेंगे कि मैच में मैंने ऐसे खेलना है, ये बॉलिंग होगी, ये फील्डिंग होगी, किस टाइम मैंने अपना गेट चेंज करना है, किस टाइम मैंने चार्ज करना है, तो वो जब आप प्लानिंग नेट से जब मैच में लाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी होगा। गेयर्स चेंज करने पड़ते हैं, वो जब आप सेट होते हो तो आपको पता है कि अब मैंने हाँ 10 ओवर ऐसे खेलने हैं और अगले 10 आपने कैसे करने हैं, वो गेयर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो वो आप जब माइंडसेट में होता है ना, एक गोल होता है, एक प्लानिंग होती है, तो जब उसको आप अचीव करते हो ना तो आप सक्सेस काफ़ी मिलती है। अगर आपने इंग्लैंड की बात की है तो वो इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी सी सूट करती है, क्योंकि ट्रू बाउंस आता है और बॉल अच्छा वहाँ पे आता है, तो वो काफ़ी क्योंकि काफ़ी देर से खेलते आ रहे हैं, 3-4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, हर साल में हम एक बार ही वहाँ जाते हैं, तो वो कंडीशन हमें सूट करती हैं और वहाँ की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर हो गए हैं वाइट बॉल में। कोई टीम आसान नहीं होती, आप जौन सी मर्जी इंटरनेशनल टीम हो उसको कभी आप इजी नहीं ले सकते। कोशिश यही होगी कि हम 110% एफर्ट करें और परफॉर्मेंस वैसी दें, क्योंकि ये हमें आगे न्यूजीलैंड के टूर में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जीतेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वही कॉन्फिडेंस हम न्यूजीलैंड लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी टफ सीरीज़ है, टेस्ट मैचेज़ हैं और T20 है और डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे अच्छा करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस जब हम वहाँ लेके जाएंगे तो वो रिज़ल्ट अच्छे होंगे।
देखिए इधर मैचेस काफ़ी ज़बरदस्त उस किस्म के हुए हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस में। पहले तो क्वालिटी ऑफ पिचेस और ग्राउंड की मैं थोड़ी तारीफ़ कर दूँ कि आउटफील्ड ऐसे मैंने कभी भी नहीं देखी इतनी तेज़ आउटफील्ड। प्लस द फैक्ट कि जब हम PSL में आए थे तो इस किस्म की इतनी अच्छी पिचेस भी नहीं थी, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट डिपेंड्स लॉट ऑफ ऑन द कंडीशंस। आई थिंक द कंडीशंस बहुत अच्छे थे। इसके अलावा हमने बैटिंग देखी, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त देखी है, फास्ट बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त देखी है। शुरू में ऐसा लगा कि टीमें बिकॉज हाई स्कोरिंग था तो टीमें उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी इसके लिए, लेकिन जैसे जैसे ये सेगमेंट मतलब ये मुल्तान का जो मैचेस थे जैसे जैसे वो ज़्यादा होते रहे तो बॉलर्स को भी समझ आ गई कि कैसे एक किस्म का बचना है, कैसे वो तरीके निकाल लिए उन्होंने के विकटे लेने के भी तरीके। एक चीज़ जो शायद अभी टूर्नामेंट हाफ वे स्टेज पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन शायद एक चीज़ जिसमें इम्प्रूवमेंट मैं देखना चाहता हूं वो थोड़ी सी फील्डिंग में काफ़ी लैकिंग है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, हमने देखा है PSL में भी और T20 नेशनल T20 में कि इतने ज़्यादा कैचेस नहीं छूटे, कैचेस काफ़ी छूटे हैं, बट अदरवाइज हाई क्वालिटी हमने पावरफुल बैटिंग दी, मतलब पावर हिटिंग देखी है, प्लस फास्ट बॉलिंग वेरी इंप्रेसिव। स्पिनर्स ने इतना गेम नहीं डोमिनेट किया क्योंकि पिचेस बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक रावलपिंडी में अब जाना है, बट ओवरऑल इन मुल्तान आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट डे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस तरह से बेहतर होती रही। आई थिंक पिंडी लेग भी मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी हाई स्कोरिंग गेम्स ही होंगे, और उधर की भी पिच हमने देखी है कि T20 में बहुत ही ज़बरदस्त होगी। यहाँ से वो टीमें कॉन्फिडेंस लेके जाएंगी, फॉर इंस्टेंस नॉर्दर्न, खैर नॉर्दर्न ने तो पूरा टूर्नामेंट ही अभी डोमिनेट किया हुआ है, लेकिन जिस जिन जिन की बॉलिंग अटैक्स तकड़े हैं, आई थिंक KP का बॉलिंग अटैक तकड़ा है। अब देखना ये होगा कि जब आप पिंडी में जाओगे तो आपको मुल्तान से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल गया है कि ऑलमोस्ट इसी किस्म की क्रिकेट वहाँ भी होगी, तो ये देखना होगा कि पावर हिटिंग रन चेस तो हो ही रहे हैं, स्कोर लंबा हो ही रहा है, रन चेस नहीं लेकिन स्कोर लंबे हो ही रहे हैं, लेकिन जिस टीम ने गलतियां कर इन द फील्ड और जिस टीम की बॉलिंग अच्छी है वो मैचेस जीते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर आप मेरे से पूछें तो दो टॉप की टीमें अभी भी मुझे यही लग रहा है कि नॉर्दर्न और KP इस वक्त बड़ी अच्छी पोजिशंस में हैं, बाकी टीमें अभी मतलब कोई उनमें से कोई क्लियर फेवरेट नहीं नज़र आ रहा। देखिए शाहिन शाह अफरीदी ने तो स्टैंड आउट किया है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेड था, मतलब उससे उम्मीदें तो ऐसी हैं कि अब वो T20 का बहुत ही अच्छा बॉलर बन गया। आई थिंक द वन इनिंग दैट डज स्टैंड आउट, अब्दुल्ला शफीक की जो इनिंग थी बहुत ही क्लासी थी, ऑल्दो उसके बाद उसने इतने रन नहीं किए, लेकिन जो 100 बनाया था उसमें एज अ व्यूअर ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि उसको स्लॉगिंग करने की ज़रूरत है या पेस फोर्स करने की ज़रूरत थी, उसने बहुत ही क्लीन इनिंग्स खेली। आई थिंक वो इनिंग्स मेरे लिए स्टैंड आउट करती है। Look, for me, it was pretty straightforward. I'd seen Pakistan play, obviously in the World Cup here in February and March, so I had a bit of an idea of the talent within the squad. But when the role came up, I mean, the opportunity to coach an international team in itself is a great honour. So I just thought, you know, I'd throw my name in the hat and see what happens. So delighted to get the opportunity to work over the next 2 years with this particular group of players. And hopefully I can add some value to them individually, but more importantly, collectively as a team. Obviously, work in the Australian system for the last 5 years. So whenever Australia have been playing away. So I guess like I first saw the Pakistan side a couple of years ago in Malaysia, where Australia played Sri Lanka. Played Pakistan. So that was, I think, 2018. So that's when I first sort of came across them. And that was more of an interest because we had some young Victorian players that were on that trip. So from my own personal point of view, I was coaching those players. So I wanted to see how they got on. So that was my first sort of encounter. And then, I mean, you know, they didn't let themselves down. So that was my first sort of,
touch point with Pakistan. Since then, it's since I knew my name was, or since I put my name in the ring, if you like, I've been looking at vision and footage. So got more an idea of how individuals play and how the team's been going. So that's been interesting in itself. And as I say, there's certainly lots of ability and talent within the squad. So I'm just, certainly looking forward to getting to know players first of all, but then getting to see where we can take their games. Good question. Look, I think the couple of key things is you want to see consistency in performance. So I think we're looking at individuals. Are their games improving? So a good indication of that would be their personal best scores or records or stats. So are we seeing an improvement in stats? The other thing for me is not just the stats. It's also, are we seeing a change in character? And I think the big thing for me is if you're developing people, that will help from a cricketing point of view as well. So it's a double-edged sword. So we're looking at, that would be the first thing to look at. And the other thing is obviously team performances. You want that consistency, but it starts with individuals. Can we get them playing more consistently? That should help the team. But the most important thing is getting that alignment. So individual players, we want to see improvement, but their output's got to be aligned to what the team needs. So for me, it'd be great if we could get into that, improve the rankings from where we are. And aspirationally, it should be let's become a top four country. So that for me, it's when you go to World Cups, opposition and media are talking about Pakistan being one of the top four. At the moment, it'll be England, Australia, India, New Zealand, and maybe South Africa in the female game. Those are the names will get thrown up. So for me, let's try and get Pakistan in that mix, and that for me would be the overall goal from a team point of view. Individually, let's get their averages up, let's get their strike rates up, and let's see them developing into really good people. And I think and into leaders and people then that can drive the game forward. Once they finish playing, I think that there's a bigger picture to this as well. It's not just about that. There's a long-term view. I look at it as well. So there's a couple of things I would look at. Well, the visa application is in at the moment, so I'm just waiting for that. So they've I went to see them yesterday. So I'm hoping to arrive on Sunday, the 18th of October. So just over a week and a bit away, assuming that everything goes okay with the visa application. In terms of the excited, no, I just can't wait to get there.